हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 है मैथ और एक्सरसाइज 4.2 रहेगी। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने सम चतुर्भुज BEND की रचना करनी है। सम चतुर्भुज BEND की रचना करनी है जिसमें हमें दिया गया है दो विकर्ण, BN दिया है और DE दिया है, यानी इसमें हमें सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ आकृति बना लेंगे, ठीक है, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि चतुर्भुज कैसी बनेगी। तो BEND के नाम से एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम। ये है BEN और D, ठीक है। तो अब हम इनका जो भी दिया गया है हमें, तो इसमें हम नोट कर लेते हैं। जैसे BN कितना दिया है, 5.6। B और N ये इसको मिला देंगे हम, तो ये है 5.6, ठीक है। और फिर DE दिया गया है 6.5, DE को मिला देंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कराने के बाद आपसे बीच में पूछूंगा भी क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपके पास DE जो है वो है 5.6 सेंटीमीटर, तो ये 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी भुजाएं नहीं दी गई है, केवल हमें इसके विकर्ण दे रखे दो और सम चतुर्भुज की रचना करनी है। तो जब हमें दो विकर्ण दिए होते हैं सम चतुर्भुज के, तो सम चतुर्भुज के जो गुण है वो हमें याद होने चाहिए। तो सम चतुर्भुज के गुण हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, तीसरे चैप्टर में आपको बताए भी थे, काम में भी भेजे थे कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों समान दो भागों में बट जाते हैं, यानी जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा इधर है, ठीक है। और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इसके विकर्ण होंगे सम चतुर्भुज के वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपके याद रहना चाहिए, तब आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसकी रचना करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विकर्ण ले लेंगे DE, जिस तरह से इसमें है ना वैसा ही हम एक DE विकर्ण ले लेंगे। तो स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे हम। तो DE कितना दिया गया है इसमें, 6.5, कितना, तो हम यहाँ पे 6.5 ले लेते हैं। 6, तो जब भी कोई रेखा खींचते हैं तो 0 से शुरू करनी है आपने और 6.5 तक जाएगी। तो ये 6.5 मैंने रेखा खींच लिया, ठीक है। जैसे ये थी ना तिरछी थी, वो तो वैसे ही मैंने ये ले ली। तो इसका नाम लिख लिया मैंने डी और ए, डी और ई मैंने यहाँ पे रख दिया नाम, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका दूसरा विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण कहाँ से जाएगा, जब हम इसको इसका समद्विभाजक करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक आपको सबको पता है, आपने सीखा होगा पहले। हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे इससे आधी से ज्यादा, ठीक है। जितनी भी ये है इससे आपसे ज्यादा, आधी से ज्यादा प्रकार खोल के इधर एक चाप लगाएंगे ऐसे और एक दूसरी तरफ लगाएंगे, ठीक है। प्रकार दोनों उतनी ही खुली रहनी है, ठीक है। फिर
फिर दूसरे अपनी मर्जी से आप बोलो आधी से ज्यादा होनी चाहिए, फिर दूसरे पॉइंट पे उतनी प्रकार बोल के चाप दूसरी ऐसे लगाएंगे और ये इधर ऐसे लगाएंगे। तो अब जहां ये दो बिंदु आए तो यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाला विकर्ण है क्या, ये विकर्ण आ गया हमारे पास दूसरा। अब हमें ये कितना दिया है, 5.6 कितना है, 5.6 है, तो हमें आता तो ये इधर लेना पड़ेगा और आता इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5.6 का हाफ कितना होता है, 5.6 वो दो से डिवाइड करें तो हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी 2.8 सेंटीमीटर हमें इधर लेना है, 2.8 सेंटीमीटर इधर लेना है, तो ये ले लेते हैं आप, तो ये 2.8 आएगा आपके पास। यहाँ से शुरू करेंगे जीरो से, तो ये 2.5678 यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपने इधर लेना है उतना ही, जीरो से शुरू करना है और 2.8 तक ये आ जाएगा आपके पास। तो ये 5.8 आना चाहिए पूरा, कितना आना चाहिए, 5.8, ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 5.8 होनी चाहिए ना, 5.6 होनी चाहिए सॉरी। ठीक है, तो 5.6 ये पूरी होनी चाहिए क्योंकि 2.8 इधर 2.8 इधर। ठीक है, और जब हम लंब समद्विभाजक करते हैं ना तो ये कोण अपने आप ही 90 डिग्री के बन जाते हैं भाई। ठीक, तो अब जो ये पॉइंट मिले हैं इनको हमने मिलाना है, तो ये पॉइंट जो है N आ गया और ये पॉइंट जो है B आ गया। ठीक है, तो B को D से मिलाएंगे, यानी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे हम, और इसको ऐसे मिलाएंगे और ऐसे ही इनको मिला देंगे। तो इस तरह से एक समचतुर्भुज बन जाएगी हमारे पास बी ई एंड डी, जिसके दो विकर्ण दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने समचतुर्भुज बी ई एंड डी की रचना कर दी है। ठीक है बच्चों।